नमस्कार अर्गस न्यूज रूम लाइव सहित मो पूर्व राजधानीवासी संध्या हेले मुंड बिंधा बढ़े समस्या बढ़े कहीं स्मार्ट सिटी ट्राफिक जाम लोकंकु बा राजधानीवासी को एमिति अस्तव्यस्त करे जे संध्या बेले 5 किलोमीटर रास्ता अतिक्रम करने को अध घंटा अपेक्षा करने को पड़े अध घंटा लाइन में रहा पड़े गाड़ी एत ट्राफिक जाम होता है तो राज्य सरकार 2016 योजना प्रस्तुत करते ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करते जे राज्य स्मार्ट सिटी के भावे अधिक रास्ता करा संप्रसारण कर रास्ता को जहाँफल स्मार्ट सिटी स्मार्ट बासिंदा मैंने ट्राफिक समस्या भोगे ना कि 2016 ब्लूप्रिंट एपर्यंत कार्यकारी हो पारिना 2016 रास्तार संप्रसारण करोजना रही है खासकर भुवनेश्वर जयदेव विहार अंचल नंदनकानन पर्यंत कारण यही रूट्टी वर्तमान सबुठ बिजी रूट रही संध्या बेले जदि आप रूट्रे जातायात करता दे जाते फसवा स्वाभाविक कथा तेणु यही रूट्टी को कि भाई भाव सरल संप्रसारण कर 2016 ब्लूप्रिंट प्रस्तुत कराला प्राथमिक पर्यायर 3.4 किलोमीटर रास्ता 33 कोटी टंकार व्यय बराद कर स्मार्ट सिटी राजधानी बासिंदा मैंने कि भाव स्मार्ट भाव जातायात करेंगे खूब कम समय निज घर पहुँचे निज गंतव्यस्थल में पहुँचे किंतु ये ब्लूप्रिंट को 4 वर्ष पूरी एपर्यंत प्लान को जो जो प्लानिंग इम्प्लीमेंट कार्यकारी से नहीं कौन सी नाम गंध एपर्यंत सामना को आसूना प्लान केते बाट आगे केते जमी एपर्यंत अधिग्रहण करागला संप्रसारण कौन कौन सब योजना रही एपर्यंत कौन सी स्थिर चित्र बीडीए तरफ सामना को आसी पारे ना ये बड़ प्रश्न यह सामना को आसूची जे राजधानीवासी आते दिन पर्यंत यह भाव समस्या भोगुवे आते दिन पर्यंत बीडीए बीएनसी राज्य सरकार समस्त मिसी राजधानीवासी को भुआ बुलाऊे आ जयदेव विहार नंदनकानन पर्यंत जो रास्ता अच्छी केबे संप्रसारण करतायात सुगम होब ता बड़ प्रश्न सृष्टि होती खासकर एति कथा नुह गत घटना आहरी खबर आसला जे चंद्रशेखरपुर अंचल रे ट्राफिक जाम को नहीं केमती तुमूलकांड घटी साइट मरामरी होते गाड़ी पर कार चालक जनक आसी स्कूटी चालक जनक निर्धूम पिटीते और रास्ता मझे रक्ताक्त करते लहुलुहान करते घटनास्थल में पुलिस पहुँची आ से कार चालकों सहित आउ जन काबू करता कि बड़ प्रश्न कथा एत बाट जाऊँगी कौन पर जदि राजा रास्ता संप्रसारित होता जदि रास्तार प्रशस्तीकरण होता ताले हुए तो ए समस्या भोगवाक पड़ न था तो राजधानी जयदेव विहार ठू आरंभ कर नंदनकानन पर्यंत विभिन्न स्थान में आम प्रतिनिधि अच्छा जाणी जे प्रकृत में संध्या हेले के भाव ट्राफिक समस्या राजधानीवासी को घारूँ जयदेव विहार नहीं पटिया पर्यंत जयदेव विहार अच्छा मो आम प्रतिनिधि अच्छा संतोष जेना तोषाड़ी मेला जहाँकि नालको छक पाखे अच्छा प्रतिनिधि नीलिमा प्रियदर्शिनी पटियार अच्छा शतरूपा सामंतराय प्रथम संतोष जेना पाखु जावाक चाहूँगी कारण जयदेव विहार ठू आरंभ कर आम पटिया पर्यंत देखा जे संध्या हेले कि भाव स्मार्ट सिटीवासी मुंड बिंधा बढ़ुचे संतोष जयदेव विहार आपड़ अच्छा वर्तमान समय आसी 6:15 बाजिबो वर्तमान परिस्थिति रे गहली कते देखा मिलूँ जयदेव विहार एवं लोकों समस्या कौन रही जयदेव विहार देखु निस्ताब अपूर्व प्रत्येक दिन जदि लोक ऑफिशियल टाइम अर्थात सकाल 9:00 रु 11:00 पर्यंत एवं तापर संध्या 4:00 रु 7:00 पर्यंत जदि जीवाक पड़े कि गोटे जरूरकालीन कार्य पड़े कि जरूरकालीन परिस्थिति पड़े जो जयदेव विहार छक आरंभ करी पटिया और नंदनकानन रोड ये रोड रे जीवा पूरा मुस्किल ही जाए कैमेरा पर्सन को कह भी देखापी आप सीधा सड़क चित्र देखिए आम आज जो ट्राफिक जाम रो चित्र देखा चाहूँ जो आप थे निजे कल्पना करूँ कि भाव में वर्तमान समय ये रोड जाम आम आपको ये प्रथम दृश्य देखा लगातार भाव पूरा जयदेव विहार आम सीधा सीधा लोक मैंने किभली भाव में समस्या सम्मुखीन होती देखे देखे जीव कि प्रथम कर देखा जयदेव विहार गाड़ी गुड़िक किभली भाव में नंदनकानन आड़ जाऊँ जदि कौन गोटे परिस्थिति उपजे अर्थात कौन अपराधिक कार्यकलाप हुए कि मेडिकल काम हुए ताले हठात आंबुलांस कि हो कौन प्रकार पीसीआर फैन हो कि आउ कौन जरूरकालीन सेवा क्या जगे दिजाने केीघ्र जा पहुँची पारे और सबू से विकल्प व्यवस्था कथा आम सब आलोचना करूँ विकल्प व्यवस्था कथ आसे जितेबाला सरकार ओवरब्रिज कथा कहते ट्राफिक थाना कथा द्वितीय ट्राफिक थाना चंद्रशेखरपुर कि सब भितर के ट्राफिक व्यवस्था सुधार आसी आपड़ देखु सीधा सड़क आम चित्र देखा गाड़ी लंबा लाइन लगी आपको देखा कि भाव में एपटू जो गाड़ी आसूसी एवं सीधा सड़क जयदेव विहार जो गाड़ी गुड़िक नंदनकानन आड़ जाए दृश्य देखु वर्तमान आम आपको देखू सीधा सड़क चित्र जे जयदेव विहार जदि जड़े जावाई चाहूँगी अर्थात नंदनकानन आड़ जे जावाई चाहूँगी तेत समय लगे अपूर्व
तो जयदेव विहार चित्र देखा संतोष जेना संतोष किसी जात्री प्रतिक्रिया नहीं हम कि जहाँ जमापड़ी जे बेस गहली अच्छी जगटी एवं हुए तो प्रतिक्रिया ने संभव हो न पारे किंतु नहीं हम जदि संभव हो पारे किसी जात्री प्रतिक्रिया नहीं हम तबे अपूर्व आम परवर्ती मुहूर्त में जात्री प्रतिक्रिया नबू किंतु आम आपको वर्तमान देखा चाहूँ जे गोटे गाड़ी जदि कौन प्रकार जरूरी कालीन कार्य सीधा सड़क जयदेव विहार बाहर ताले ताकु केते समय लगे जो नंदनकानन पहुँचापी कि पटिया पहुँचापी आम आपको देखु आप देखुए जे गाड़ी कंटा वर्तमान आम आपको देखे गाड़ी कंटा कोड़े छुईवा कष्ट पड़ी अर्थात संध्या समय ये भिड़ लगि रही जे आपण को गाड़ी कोड़े चलवा कष्ट पड़ी आप देखु ये हूँ आम वर्तमान समय जयदेव विहार गाड़ी छाड़ा और वर्तमान समय पाल हाइट्स छक आरंभ करी मेफेयर आड़क गति करूँ देखु गाड़ी दिग बेग किभ रही रास्ता जाम किभली रही सबुठे बड़ प्रश्न जे काली गोटे अभावन्य परिस्थिति जो देखाला सामान्य गाइड साइड मरा को नहीं समस्त दुई जन जाक व्यस्त थे जन जन को सैड मारापर तुम कांड घटला यहीपाई घटला जे रास्ता जाम कौन प्रकार समस्ते जावाई व्यस्त ये जनसंख्या अच्छी जी जनबहुल रास्ता अच्छी सी सब रास्त जड़े आग को गति करवा तार निजर जरूरी कालीन कार्य सारे निश्चित भाव असंभव कथा आम आपको देखु वर्तमान समय हुए तो पखापाखि दुई तीन मिनिट आम आपको समय देखते कि समय भितर आम जयदेव विहार सीधा सड़क वर्तमान पाल हाइट छक ही अतिक्रम कलु अर्थात आपे चिंता करूँ जे जदि जड़े जावाई चेष्टा करते बेगर जीव एवं जदि कौन कार्य हठात पटिया कि नंदनकानन पटे पड़े तेल लोक मैंने किभली भाव में जी और ट्राफिक रे किभली भाव से फसबे जहाँ कथा बर्तमान या पूर्व आसर्व जो तत्कालीन डीजी जितेबले आरपी शर्मा थे से कहला जो गोटे ट्राफिक द्वितीय थाना आरंभ करागला द्वितीय थाना जो आरंभ करागला से यार प्रमुख उद्देश्य था सीनियर सिटीजन मान सहित आलोचना कराला जे किभली भाव में जो जनसाधारण माने जो गहलीपूर्ण रास्ता ट्राफिक जाम न हो एवं ए ट्राफिक रो काम या रोइबो जे विशेष भाव में रास्ता क्लीयरेंस करिवो एवं विशेष भाव में किभली भाव में लोक माने सुविधा रे जीवा आसवा करिवे आपातकालीन परिस्थिति हो किंबा जरूरी कालीन परिस्थिति रे कोन भाव रे जरूरी कालीन सेवा जगाय दिया जीवो किंतु से पूर्व व्यवस्था जयदेव विहार पटिया पर्यंत जीवा पई रास्ता जाम रहउची केते समय लागुची जयदेव विहार पटिया पर्यंत जीवा पई नीलिमा प्रियदर्शनी मो सहयोगी अच्छा अपडेट नवा ताजा चित्र देखा नीलिमा आप जयदेव विहार टू पटिया रूट्र के अंचल अच्छा सेठार समस्या कौन सेठाकर चित्र कौन जयदेव विहार जहाँ चित्र से सामान चित्र पूर्व आउटे मन पकई देवाई चाहती जहाँ आप कहे कि 2016 मसीह जो भाव में प्लानिंग करा जाइला कि भुवनेश्वर जो स्मार्ट सिटी है किभली भाव में लोकों चाहिदा को देखिए खासकर गमनागमन केमी सुविधा हम से व्यवस्था कर देखो पूर्व प्रथम कथा है सहर बढ़ुची जनसंख्या भी बढ़ुची ता सहित ताल दे गाड़ी मटर और जानवाहन भी बढ़ुची तेनालीरें जोटे स्मार्ट सिटी कथा कहे कि आम से स्मार्ट हो पाने आप पचर दृश्य देखिपे जदि गोटे गाड़ी ये अटकी जाए हूं तो पचरें शह शह लंबा गाड़ी लगे आम देखीचे मेट्रो सिटी खासकर बैंगलोर कहतु मुंबई कहतु दिल्ली ट्राफिक आम देखीचे कि लगुच भुवनेश्वर ट्राफिक एवं सबको पलिगला अपर आउ गोटे कथ मन पकई दूसरी गत वर्ष बीडीओ अथॉरिटी कही जिते बड़े कथ उठी कित रास्तार प्रशस्तिकरण हम तो से कही कि गत वर्ष कही कि पांच लेन जो रास्ता रही पारेलाल रास्ता ता भितर मानने उभय सैड लेफ्ट सैड और राइट सैड राम सरी जा बाकी चारिटर काम केत आरंभ हो ना आरंभ है कि अधा रास्ता रही जनापड़े तेणु जो दुईट रास्ता बाम पटे एकाम्र ठार आरंभ कर रेंटाल कॉलोनी पर्यंत और एपटे डमरा स्क्वायर रू सैनिक स्कूल पर्यंत उभय लेफ्ट और राइट रे रास्ता निर्माण करम सरी जाए कि प्रकृति में कौटि सरी तापर्त स्पष्ट चित्र जनापड़े ये ट्राफिक रू गहर आप स्पष्ट करेंगे अनुमान भी करेंगे कि कौ भाई भाव में भुवनेश्वर और राजधानी में किमी भाव में बढ़ी चलती दिनक दिन ट्राफिक समस्या खाली संध्या नुहे अपूर्व सकाल बेले भी आप 10टा सुधा अफिस् भी बाहर अफिशियाल आवर भी आप देखते से भाई जाम आपड़ी अफिस् आप 10टा थी तो आप पाखापाखि गोटे घंटा पूर्व घर बाहर को पड़ो जदि आप पटिया कल्पना जावाई चाहिए तो आपको आप्रोक्सीमेटली 40 मिनिट लगे
एबा आपण जा कहुतले कि जयदेव बिहार रो पाखा पाखी डमणा पहुचिबा पई आपण हाथ रे धरि कि चलंतु 20 मिनिट लागिवो एथरो आपण चिंता करि परंतु आपण जे खाली समय रे आसीबे आपण को हार्डली 10 मिनिट लागि पारे किंतु संध्या समय रे एबा ऑफिशियल समय रे पाखा पाखी माने समय तर दुई गुणा बढी जायते ओ सबटो बडो समस्या जे कह जाउ छि बिडी अथॉरिटी को तरफ रु कि काहे कि जे काम आगेई पारुनी जोडी कह जायतला कि रास्ता रा प्रशस्तीकरण हबो 4 लेन विशिष्ट हबो 5 टी पार्लर रास्ता हबो तो काहे कि ए पनित से सेहीटी कहि दिले गोटी कथा कहितले कि ता भीतर से जे जमी अधिग्रहण समस्या लैंड लैंड जो फॉरेस्ट लैंड रही क्लीयरेंस मिली पारनी एवं खास करी समस्या उपजी वर्तमान पटियारे रही पथर गाड़िया और ओईआरसी बिल्डिंग जो रही है समस्या देखा मिली चंदका डिविजन भितर जेहेतु आसूँ अंचल तेनाली से मतलब फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिली पारनी तो कौटना कौटी जमी अधिग्रहण फॉरेस्ट क्लीयरेंस युव गोटे प्रकार मानने गोटे गोटे मानने मुख्य प्रसंग पलटी जो कम आगे पार्टी बीडीओ अथॉरिटी पक्ष कि जहाँ भी अपूर्व राजधानीवासी हैरान होती ट्राफिक समस्या सम्मुखीन होती खास कर संध्या समय रे ए मात्रा आहुरी अधिक बढ़ जाए इतना बाद मध्य पड़ूनी आंबुलांस आम अनेक समय उदाहरण देखिपारे तेनाली अनुमान करें राजधानी भुवनेश्वर बर्तमान ट्राफिक समस्या के भाव उग्र हबार लगी अपूर्व अंचल जो एक अभावन घटना घटला जन युवक को लहलुआन कले ट्राफिक समस्या मध्य उपजी थी पारे एवं केवल से गोटे घटना नुह एभली अनेक घटना सामना को आसूसी कौद किए पड़ी गुरुतर हाथ हो का गोड़ हाथ भांगुची तो ये क्या दायी कर सरकार अदूरदर्शिता को दायी करा ना सरकार खामख्याल मनोभाव दायी कर कारण 2016 मसीह ब्लू प्रिंट प्रस्तुत होजना पर अटकल करपर्यंत कम आरंभ हो पारना बिल्कुल अपूर्व आपण ये कहीपरेंगे सरकार दूरदर्शितार अभाव कारण देखो जदि जिते फ्लाईओवर है राजमहल में जिते फ्लाईओवर निर्माण कराला आप देखो राजमहल फ्लाईओवर बहुत कम लोक यूज कर आज यूजुआल लोक फ्लाईओवर तले जावास कहते मत एक मत प्रश्न उठी कि फ्लाईओवर निर्माण कापी आपड़े रसुलगढ़ अवस्था मत देखते सेठी जो भाई भाव में फ्लाईओवर अवस्था अनेक समय आपड़ देखिए फ्लाईओवर मत भुशुड़ी पड़े लोकों जीवन जाऊँगी गत का कथ आपत जो कथ कौन कि जोटा है तनि शोरूम सामने पाखापाखी चंद्रशेखरपुर पेट्रोल टांकी सामने जो भाई उन्मत्त कांड देखा मिला समस्या यूटर्न नवा समय सामान्य स्कूटी टी बाजी जाता कार कारु युवक युवती ओल्ल जो भाई भाव स्कूटी चालकों पिटले निश्चित भाव में आश्चर्य समस्त को कर सामान्य स्कूटी टी घसी जाता कारे कि तार परिणाम के संघर्षपूर्ण होगा यही घटना प्रत्येक दिन घटू प्रति मुहूर्त घटू आप ट्राफिक देखो आम ट्राफिक जहाँ कहुच्छे ट्राफिक डीसीपी कहतु कि कमिशनर पुलिस क्या कहतु कि ट्राफिक को कड़ाकड़ी कराँच आपड़ जब ट्राफिक नियम उल्लंघन करते आपकी अटका जाने चलाणी आप घर पहुंची तेनाली प्रकार व्यवस्था सत्य लोक सचेतन होती देखा कड़ा कार्यानुषान तो होगी समस्त तत्परता प्रकाश करोकों सुविधापी रास्ता तैयारी कला बेलू समस्ते खामख्याली 4 वर्ष तलू अटक सरी आक्शन प्रस्तुत सरी किंतु एपर्यंत तहार कार्यकारी करा प्लान प्रस्तुत सरी 4 वर्ष है किंतु 4 वर्ष है एपर्यंत रास्ता प्रशस्तीकरण करना गोटे गोटे आप चित्र आपने पहुँचाऊँ जे आम प्रतिनिधि संतोष सेना सीधासल चित्र देखें जे जयदेव बिहार पटिया नंदनकानन पर्यंत गला पर्यंत के चित्र रोचे मो पीसीआर को अनुरोध करुच्चे फुल चलांतु तो से चित्र लोक देखु जे के भावे केते समय जाए लोक ट्राफिक अपेक्षा करते संख्यक गाड़ी मोटर भिड़ जमुई जदि रास्ता प्रशस्तीकरण करता हुए तो ये संख्यक गाड़ी अटकी रहा पड़ न था लोकंर समय बर्बाद हो न था लोक 10 मिनट रास्ता को 25 मिनट पार करते कि वर्तमान बड़ प्रश्न जे कौन एत वर्ष धरी प्लानिंग कार्यकारी करना सतरूपा सामंतराय प्रतिनिधि अच्छा पटिया अंचल सतरूपा जयदेव बिहार समान अवस्था नालको नगर में नालको अंचल समान अवस्था लोकों अजथार समय खर्च करने को पड़ी बीडी आउ बीएमसी अदूरदर्शिता एपर्यंत आक्शन जो प्लान होता कार्यकारी हो पारना आपड़ जो अच्छा सेठाकर चित्र टी देखा तो देखंतु तो अपूर्व आम वर्तमान पटिया छक रही पटियार जो किट छक रही किट छक रही सेठिकार सीधासल चित्र आम देखु ए जो बीडीए एवं पूर्त विभाग तालमेल संपूर्ण भाव में फेल कारण 3 वर्ष रे 30 थर जबरदखल उच्छेद करागला रास्ता संप्रसारण अनेक ब्लू प्रिंट प्रस्तुत है किंतु सब जिन वर्तमान फेल मारी पुणी थे वर्तमान सैनिक स्कूल पठ जबरदखल उच्छेद कि रास्ता हे संप्रसारण हे दुईट रास्ता
ସେଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଟିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୟଦେବ ବିହାର ନନ୍ଦନକାନନ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତାକୁ ନିୟମରେ ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରାଯାଇଛି ବିଡ଼ିଏ ପକ୍ଷରୁ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଇକି ଏକ ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି ସେଇ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି ଉପଯୋଗରେ ଆସିବା କଥା ଆସିପାରୁନାହିଁ କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ମଧ୍ୟ ସେଇ ହିସାବରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏବେ ଏବେ ପୁଣି ନୂଆ କଥା ଆସିଛି କି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ତିଆରି କରାଯିବ ଫ୍ଲାଏଓଭରରେ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ତିନି ବର୍ଷ ଭିତରେ 30 ଥର ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ ସେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ବାହାରିଲା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ବାହାରିଲା ଲୋକେ କିଭଳି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ପଟିଆର କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କାଲି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଟନିକ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଟନିକ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଘସି ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଭିତରେ ଏକ ତୁମୁଳ କାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆମେ ପଟିଆରୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯିବା ଜୟଦେବ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା କେତେ ଉପୁଜୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଟିଆ ପାଖରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି ପାଖାପାଖି ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ବେଶୀ ସମୟ ମାନେ ଅବିକା ମେନ୍ ଯେଉଁଟା ଅବିକା ଡମଣ ଠେଇଁ ଅବିକା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟଟା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଜ୍ କରୁଛି ଆଗରୁ ସାର୍ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଯଦି ବି କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ପାଖାପାଖି ଏଇଠୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ଯାଏଁ 10 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଅବିକା ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ମାନେ ଆଉ ପୁଣି ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଗରୁ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ଖାଲି ରାସ୍ତା ଥିଲା ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଭେରି ଇଜିଲି ଏଇନା ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁତ ରସ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବି ବଢ଼ିଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଦେଖିଲେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଥା ଉଠୁଛି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ 10 ମିନିଟ୍ର ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସମୟ ଲାଗୁଛି ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଯାହା ରହିଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଛି ଆମେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଉଛୁ ଅପୂର୍ବ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ପଟିଆରୁ ଯେତେବେଳେ ଜୟଦେବ ବିହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହୁଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହୁଛି ଯେ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ବିଡ଼ିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ହୁଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି ଗୋଟେ ବସାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି ବସାଯାଏ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ କି ଜେନେରାଲ ବଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ବସାଯାଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ଲାନିଂରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଲୋକଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଜରୁରୀ ରହିଯାଇଥାଏ ତ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ଦେଖାପଡ଼ୁଛି ବିଡ଼ିଏର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ପଟିଆ ଅଭିମୁଖେ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ପଟିଆ ଯିବା ବା ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବା ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ସେ ନେଇ ସେ କାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଆପଣ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦନକାନନ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପୂର୍ବ ଇଏ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଡମଣା ଛକରେ ଅଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇଲୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଏବଂ ଇଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏଠି ରୋକା ହେଇକି ଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିପଟ ଯାଇସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛଡ଼ା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟ୍ରାଫିକ୍ର କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପଟିଆରୁ ଜୟଦେବ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଚାହୁଁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗୁ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଅଫିସ୍ ଆୱାର ଭିତରେ ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଭିତରେ ଲୋକେ ଫସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ଯେଉଁମାନେ ବାଇକାର ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବୁ କିନ୍ତୁ ଏ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ହୁଏତ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଆଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ଭିଡ଼ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦିଆଯାଇଛି ତାପରେ ବି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଅଟକୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରିପଟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କଥା ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ବାରମ୍ବାର ଉଠୁଛି ସରକାର କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହକାରେ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ
गाड़ी मोटर संख्या को दृष्टि रखिले किभली भाव में ये रास्ता गुड़िकर सब ट्राफिक समस्या देखा ट्राफिक रे भिड़ लगी रही एक समस्त जानते कितु आम आपको देखे बर्तमान समय ट्राफिक चित्र देखू और किसी बैक आरोही प्रतिक्रिया नबू एवं सहित आम आपको देखू कि भाव में लोके बर्तमान समय अटकी रोचार ट्राफिक रे आज्ञा ये जो जयदेव विहार इड़क गला डेली के ट्राफिक जाम हो डेली बहुत जाम होते परिमाण में जाम हो गाड़ी चलने बहुत कष्ट होते समय लगुच जे पटिया जयदेव विहार कि जयदेव विहार नंदनकानन रोड में जावाक चाहिए तो कैसे समय लगे मिनिमम अध घंटा कम लगुना जदि किसी जरूरी कारण परिस्थिति लोक हईरा हो ना बहुत हईरा होमती जीवन विपद सहित जीवन चली जबार संभावना भी अच्छे तेल विकल्प व्यवस्था कौन भावुंत रास्तार संप्रसारण दरकार ना आउ कौन दरकार रास्तार संप्रसारण सहित ओभरब्रिज निहाती दरकार अप टू नंदनकानन पर्यटन इसी जनसंख्या दृष्टि रास्तार जो रास्तार संप्रसारण को कम देखते कहीं आप देखू ट्राफिक बर्तमान दर्शकों को भिजुआल देखा चाहिए सीधा सड़क भिजुआल देखू गाड़ी एटी आज्ञा ट्राफिक रे बर्तमान आप अटकी ट्राफिक रेड लाइट अच्छी कितु बर्तमान पाखापाखि अध किलोमीटर पर्यंत गाड़ी लंबा लाइन लगे आज्ञा केम देखते प्रत्येक दिन अवस्था ना आज यहाँ प्रत्येक दिन अवस्था एवं चिराचरित ढंग से चलती यहाँ दीर्घ दिन है समस्या ए समस्या आजिकल बहुत दिन समस्या लोके कहते शनिवार रविवार से दिन पूरा अवस्था सांघातिक से दिन साधारण तो सरकारी कार्य बंद थाए से दृष्टि स्वल्प संख्यक भाव में कमी जाए मार्केट कम्प्लेक्स सपिंग मल गुड़िक रास्तार दुई पार्श्व में भर्ती होता गोटे ट्राफिक जाम बड़ कारण यहाँ ट्राफिक जाम गोटे कारण हो पाए किंतु सबुठ निहाती एकमात्र दरकार हूँ बाईपास बाईपास जो दुई 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 जो द्वितीय नंबर ट्राफिक थाना जो प्रतिष्ठा कराला से समस्त भाई ट्राफिक जाम हटि नहीं आज्ञा सेम हो पूर्व आम आपको देखा कि भाव में चित्र आपड़ देखते ट्राफिक छाड़ी और सहित एक आम कह रखा चाहूँ जो कि भाव में रास्ता भिड़ बर्तमान समय अच्छी आप देखुं या सहित सब बड़ प्रश्न जो ट्राफिक जाम कि भाव में कमी और ट्राफिक ट्राफिक व्यवस्था सुधारीकरण आसे केमती जदि किसी आपत्कालीन परिस्थिति पड़ा किसी जरूरकालीन परिस्थिति पड़ा लोके केमती सीधा सड़क सुविधा सुजोग पहुँची पारे बर्तमान गोटे साधारण लोकों पर कष्टसाध्य कहीं अनेक लोक कटक जावाई एवं जो माने एपटे जो माने पटिया नीलादी विहार एपटे जो जनसंख्या अच्छी सबू लोक ये जावासिया करेक कर्पोरेट अफिस् ये अच्छी अनेक गुड़े जो सपिंग मल मार्केट कम्प्लेक्स भितर अच्छी बड़ बड़ यूनिवर्सीटी शिक्षानुष्ठान बड़ बड़ी अनुषित अवस्थित अच्छी ये सबू भितर जनसंख्या को रास्ता सहित तुलना कले कि भाव में भिड़ होता लोक मैंने सीधासल जनसाधारण प्रतिक्रिया रखुंट समस्ते ये ट्राफिक उपर निश्चित भाव अतिष्ठ हो पड़ते समस्ते रास्तार प्रशस्तीकरण सहित विकल्प व्यवस्था आशा कर बारंबार निष्पत्ति बदलाउछन्ति सरकारी अधिकारी प्रथमे निष्पत्ति कला जे फ्लाईओवर निर्माण स्थगित रखाला समांतर भाव दुईट रास्ता निर्माण करागला किंतु परवर्ती मुहूर्त में पुणी थे कर्तृपक्ष माति पुणी फ्लाईओवर निर्माण कर्तृपक्ष चोर पुलिस खेल मध्य केउटना केउठी स्मार्ट सिटीवासी अधिक हैरान हरकत होती नीलिमा प्रियदर्शनी अच्छे प्रतिनिधि सीधासल नहीं चलू नीलिमा जानवाक चाहूँ जो सरकार तरफ किसी वर्ष तेज घोषणा करे आंबुलांस जावाई एक स्वतंत्र करिडर मध्य जो भिड़ देखा जयदेव विहार नंदनकानन पर्यंत ये तो आंबुलांस जावा केउठना केउठी रोगी विपद कारण जदि अध घंटा समय लगुच्छे ये समय एतिक बाट जावाई रोगी जदि अध घंटा ट्राफिक जाम फसीगला तो से रोग भल होगा परिवर्तन ता जीवन आहुरी संकट को पलैब बिल्कुल अपूर्व ये सरकार अच्छी योजनामय सरकार ये योजना तो अनेक होोजनार सठिक रूपायन के पार्लि से सब बड़ असुविधा आप आंबुलांस कथा पचारे आंबुलांस कोई भाव में हईराण हो भुवनेश्वर जी गुरुतर रोगी टी भी अच्छे से डाक्तखाना पहुँचापाइक के समय लगुच आपड़ भी निजे जानते अपूर्व अनेक घटना भी सारी आपड़ जब किसी गोटे वर्ष तलर कथा कहे जो भाव में गोटे छः वर्ष शिशुर मृत्यु है हृदय विदारक बेस रही है आंबुलांस करिडर छाड़ अपूर्व पादर चलिकी जावाई जो व्यवस्था कराइला सैकेल जो स्वतंत्र व्यवस्था कराइला सेगुड़िक तो रही सत कि तार कौन से उपयोग हो पानी लोक तक व्यवहार कर पारना ये तो रास्ता कर रास्ता क्रस करवा मुस्किल देखो मो सामन जे जाऊँच ये पाद चला रास्ता क्रस करवा बेस मुस्किल अपूर्व मुझे जगह अच्छी
जयदेव ठारू किसी दूर एवं मो पचर रही सब बड़ ट्राफिक रही नालको ट्राफिक डमना ट्राफिक रही पटिया मैंने पाखापाखि कह गए मुझे व्यस्तबुल सैंडी टावर एक्साइम स्क्वायर भितर रही जोटी चली बर्तमान तोषाड़ी मेला और सहित सब बड़ जनबहुल रास्ता यहाँ कथा उठू प्रत्येक दिन संध्या कौन सका कौन य जगह सब भिड़ रही है आंबुलांस कथ जो कहें निश्चित भाव अपूर्व आंबुलांस जब फसी जाए भिड़ भितर तेल मिनिमम तक 15-20 मिनिट लगे जावाप आम लोक भी तत्पर से गोटे सेकेंड भी छाड़ा प्रस्तुत नुह कि आग जब गोटे कंपिटिशन कि किए आग बाहर की पड़े किए ट्राफिक भितर फसिक रहा चाहती कहीं भी गोटे सेकेंड वेस्ट करने चाहती कितु कहीं बुझाप नाराज कि भितर हूँ तो गोटे गुरुतर रोगी अच्छी मुझे रास्ता टी छाड़ी दिए हूँ तो से बचता जीवन बची जाए कि लोक हुए तो यही ये मानसिकता रखी कर घंटा घंटा कर ट्राफिक भितर अटकी रहा पड़े कौन से गुरुतर काम से सठिक समय पहुँची पार ना तेणु लोकों भितर मानसिकता कौटना कौटी वृद्धि पाँच आप देखो मुझे कैमेरा पर्सन लक्ष्मण को मत कह देखो ये हूँ मानते जयदेव बिहार पटिया जबार रास्तार ये एक्साइम्बी स्क्वायर दृश्य देखो ट्राफिक अटकी केंबा दूर ट्राफिक देखो आप जो जाए आखि पाऊँ से पर्यटन ट्राफिक लंबी आप देखिपारे चारचकिया बस ठारू आरंभ कर आंबुलांस सेपटे आसूँ दुईचकिया जान पादचला रास्ता लोक जाते आप देखिपे केंबा ट्राफिक देखते ये हूँ एक्साइम्बी स्क्वायर एपटे देखते आप स्वस्ती प्लाजा पटर दृश्य देखते कौ पर्यंत लंबी रही ट्राफिक भिड़ निश्चित भाव आप यूँ अनुमान करेंगे अपूर्व कि भिड़ कौ मात्रा रही संध्या हेल्ले जमी लगे कि यार मात्रा ढेर मात्रा बढ़ी जाए तेणु लगुच सरकार एवं भी सबकि योजना भितर रखिंट सरकार से गुरुतर भाव में नौना भुवनेश्वर ट्राफिक समस्या को जो ट्राफिक समस्या कौन से प्रकार समाधान बाहर पड़े ट्राफिक डीसी भी तो सब कहते स्पेशल ड्राइव करा लोक सचेतन करा ट्राफिक नियम समस्ते मानवे कि ट्राफिक रुबंदोबस्त केव नियम तो नियम बाटे हेलमेट न पिंधे तो लोक चार्ज करा फाइन कराऊ मास्क न पिंधे कराऊ कि ट्राफिक रो सुधार आस जो रास्ता निर्माण प्रशस्तिकरण फाइव लेन मेन रोड पर कौन से प्रकार भारी पड़े ना से व्यवस्था केवे हम कौन से कौन योजना भितर सीमित रही कि तेनाली प्रश्न उत्तर निश्चित भाव सरकार पक्ष आसवा निहती आवश्यक रही अपूर्व बिल्कुल केउटना केउठी योजना शीतल भंडार रोथवर दृश्य सामना को आसूँ सतरूपा सामंतराय आम प्रतिनिधि अच्छा लगातार भाव विभिन्न अंचल चित्र देखा राजधानी जयदेव बिहार पटिया पर्यंत रास्तार केंभली जाम रही संध्या हेल्ले लोके केंभली छटपट हो ट्राफिक समस्या मध्य सतरूपा आप बर्तमान केउठी अच्छा सेठाकर ताजा चित्र कौन देखु अपूर्व आम वर्तमान से ही टनिक्स फ्रंट्रे अच्छु जो गत काली जो तुमूल कांड होता ट्राफिक को लेकिन जितेबाला जावा आसवे जिते ट्राफिक समस्या को लेकिन जो तुमूल कांड घटाला से ही टनिक्स फ्रंट्रे ही आम रही बर्तमान सीधासल चित्र देखिपे जितेबाला पटिया पटू गोटे जितेबाला जयदेव बिहार पटू गोटे गाड़ी आसूची जयदेव बिहार रू पटिया पटू को जाऊँ पुणी थे जदि से जयदेव बिहार को यूटर्न नौ यूटर्न पाखर भिजुआल आप देखिपे किभली भाव में से यूटर्न पाखे भिड़ लगि रोचे जितेबाला पटिया पटू लोक आसुँची जयदेव बिहार पटु लोक आसिक जितेबाला यूटर्न नहीं जयदेव बिहार आड़ को पुणी थे मुहांस जगार चित्र आम देखु गत काली जो तुमूल कांड घटी और गोटे बैक आरोही गोटे कार भितर जिते बड़े तुमूल कांड घटी और पुलिस को पहुँचवा पड़ता सेठिकार चित्र आम देखु कि भाव से जो कट रही कट जगार चित्र आप देखिपे कि भाव में भिड़ लगिकी रोच गोटे जदि गोटे कार यूटर्न नौ तो निहाती भाव में आउ दुईटा कार गोटे बाइक समस्त को रहिबाकु पड़ुची सेटाकर चित्र आप देखिपे कि समय पूर्व जिते बड़े पटियारु आसुलु जयदेव बिहार पटु जो यात्रा करूँ से ही समय गोटे एम्बुलेन्स को देखुलु जहाँ आम जिते बड़े पटिया छाड़ू से ही समय ठीक पटिया छाड़ा समय थी 6 बाजी 20 मिनिट होता किंतु आम पटियारु टनिक्स पर्यंत माने पटियारु चंद्रशेखरपुर पर्यंत आसवापी आमको लगिगला पखापाखि 6 बाजी 40 मिनिट हो बसला 6 बाजी 40 मिनिट पर्यंत आमको चंद्रशेखरपुर पर्यंत पहुँचवाप समय लग जा तो निहाती भाव में आप देखिपे कि भाव में देखते गोटे गाड़ी जितेबाला यूटर्न नौ आउ 10 गाड़ी पछपटे लगिकी रोच तो निहाती भाव में कौटी ना कौटी संपूर्ण भाव में स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर ट्राफिक व्यवस्था संपूर्ण भाव में फेल हो पड़ी आप देखिपे से ही टनिक्स जगह जो गत काली चंद्रशेखरपुर तुमूल कांड घटी गोटे लहुलुहाण हो जाता दुई आरोही भितर माड़धड़ होता लहुलुहाण होते सेठिकार चित्र देखिपे जिते बड़े जयदेव बिहार पटू
ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଟନିକ୍ସକୁ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟର୍ନ ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଜୟଦେବ ବିହାର ପଟକୁ ଯାଉଛି, ସେଠାକାର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହିଛି ଏବଂ କେତେ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି। ଗାଡ଼ିର ଜୟଦେବ ବିହାର ପଟୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍ର ଏଠୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏଠି ଲାଗିକି ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ୟୁଟର୍ନ ଯଦି କରିବ ନିହାତି ଭାବରେ ତା ପଛକୁ ଆଉ 20-25 ଗାଡ଼ିକୁ ହାରାହାରି 10-15 ମିନିଟ୍ ଡିଟେନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏପଟେ ଯଦି 10 ଗାଡ଼ି ଡିଟେନ୍ ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ପଟିଆ ପଟୁ ପୁଣି ଠିକ୍ ସେହି ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି 10-15 ଗାଡ଼ି ଡିଟେନ୍ ହୋଇକି ରହୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କେଉଁଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଟିଆ ପୋଖର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଏବଂ ଭିଡ଼ର ଚିତ୍ର ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଏବଂ ଭିଡ଼ର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହିଁ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତିଆରି କରାହେଉଛି। କେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି କି ଆମେ ଫ୍ଲାଏଓଭର କରିବୁ, କେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଜନା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରହୁଛି, ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ତା ବୋଧହୁଏ ବିଏମ୍ସି ବିଡିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେଲା ପରେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଯାତାୟତ ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ହେବ, ତତ୍ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମାଧାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିଭଳି କୌଣସି ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆସୁନାହିଁ। ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି। ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସିଧା ନେଇଚାଲୁ ସନ୍ତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠାକାର ତାଜା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ, ତାଜା ଚିତ୍ର କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପୂର୍ବ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ଭାବରେ ଡମଣା ଛକରେ ଅଛୁ, ଏବଂ ଡମଣା ଛକର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଏବେ ଅନ୍ୟପଟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି? ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ଆପଣ ଡେଲି ଆସନ୍ତି ନା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ରେଗୁଲାର ଯିବା ଆସିବା। କେତେ ସମୟ ଲାଗେ, ଯେଉଁ ସମୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ 9:00 ସକାଳେ 11:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 4:00-7:00-8:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏ ସମୟ ଭିତରେ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି? ଭିଡ଼ ପ୍ରବଳ ମାନେ ଏଇଠି ଯିବା ଆସିବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଉଛି। ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ନା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ? ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରେ। କେତେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରୋଡ଼ ହେଉଛି ଏଇଟା। କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ମିନିମମ 40 ମିନିଟ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ନା ସବୁଦିନ? ସବୁଦିନ, ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସବୁଦିନ। ଶନିବାର ରବିବାରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଉଛି? ଶନିବାର ରବିବାର ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲି ଆୱାରରେ ଆପଣ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ନା ଦୋକାନ ବଜାର ଅଧିକ ଖୋଲିଗଲାଣି ନା ରାସ୍ତା ସଂସ୍କୃତିକରଣ? ଏପଟରେ ତ ପପୁଲେସନ୍ ତ ଅଧିକ, ଏପଟର ପପୁଲେସନ୍ ଅଧିକ, ତାର କାରଣ ବି ଅଛି। ଏପଟର ସବୁ ମଲ୍ ଫଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ତାପରେ IT କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହୁଛି ଇଆର, ତାପରେ କଟକର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ଟା ଆସୁଛି କଟକ ରୋଡ଼। ହିସାବରେ ଅପୂର୍ବ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆରୋହୀ ଅଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ଆରୋହୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସବୁଠୁ ରାଜଧାନୀର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରୋଡ଼ ହେଉଛି ଜୟଦେବ ବିହାର ଟୁ ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡ଼, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏହିପଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ କର୍ପୋରେଟର ସେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି, ତା ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ଅଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏପଟେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ କଟକ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛାଡ଼ିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛାଡ଼ିବା ବେଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଜଗି ଜଗି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭିଡ଼ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଆପଣ ଡେଲି ଆସନ୍ତି ନା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ? ରେଗୁଲାରଲି ଡେଲି। ଏତେ ଭିଡ଼ ହୁଏ ଏପଟେ ଆସିବା ପାଇଁ? ମାନେ ଆଜି ହାଲକା ଭିଡ଼ ହୁଏ, କାଲି ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଏମିତି ଅଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଡ଼? ଏଠି ଭିଡ଼ ହୁଏ ପ୍ରତିଦିନ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁ ଇଏ ଲାଗି ଟିକେ ଏବେ ଅଧିକା ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ଶନିବାର ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନରେ କେମିତି ଭିଡ଼ ହୁଏ? ରବିବାର ଦିନ ମୁଁ ତ ଏପଟେ ଏତେ ଇଏ କଲା, ତଥାପି ଭିଡ଼ ରୁହେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ହେଉଛି? ଦୋକାନ ବଜାର ଅଧିକା, ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା, ନା ରାସ୍ତା ଟିକେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି ଭିଡ଼ ହେଉଛି? ଏଠି ତ ଆଗରୁ
ଏପଟରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏପଟେ ରହିଛି, ଅଫିସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ଲୋକ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲ ଭଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭଲ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ରହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ କରିକି ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ତାପରେ କଟକକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମେନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ଅଫକୋର୍ସ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଲେବୁଲର ଭିଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବି ରୋଡ଼ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଓଭର ୱେ ଅଲଗା ୱେ କରିବା ପାଇଁ କରିବା ବି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ ନର୍ମାଲ ଡେରେ, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ଭିଡ଼ ରହୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ତାପରେ କାମ କରିବା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ଆଗରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭଳି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଳି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଉନାହିଁ। ଯୋଜନା 4 ବର୍ଷ ତଳୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଉନାହିଁ, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉନାହିଁ। ଆଉ ରାଜଧାନୀବାସୀ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବାସୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ବିଡ଼ି ଆଉ ବିଏମ୍ସି ଏ ଦିଗରେ କେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି, ଆଉ ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ନନ୍ଦନକାନନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଫ୍ଲାଏଓଭର କରାଯାଉଛି, କେବେ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରାଯାଉଛି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମଗ୍ର ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ନଜର। ଜୟଦେବ ବିହାରରୁ ପଟିଆ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆମକୁ ଅଧିକ ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ନୀଳିମା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଏବଂ ସତୁରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।